हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है डिओडोरेंट। और इसके अंदर आती है बहुत तेज स्मेल या खुशबू है, आप जो भी आप कह सकते हो। लेकिन भाई, इसको जनरली तो यूज़ किया जाता है अपने बॉडी पे लगाने पर, ताकि हमारे अंदर से खुशबू आती रहे, कोई नहा के नहीं गया तो उसका काम चल सके, इन चीज़ों के लिए यूज़ आता है। लेकिन हमारा दिमाग है क्रेजी और हम इसको उस खुशबू के रूप में नहीं लेने वाले, बल्कि यहाँ पर हमारी ये जो बाइक है, इसको आज पेट्रोल की जगह इस डीओ से चलाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब मुझे नहीं पता कि ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी या क्या होगा, लेकिन भाई साहब, इस बाइक को पेट्रोल की जगह डीओ से चला करके बिल्कुल चेक करेंगे आज। और कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि इसके अंदर जो मटेरियल है ना, वो भी यार काफ़ी एक तरीके से फ्लैमेबल होता है, और पेट्रोल भी काफ़ी फ्लैमेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि इससे जो बाइक है वो चल सकती है या फिर एटलीस्ट स्टार्ट तो हो सकती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले जो बाइक है उसका जो पेट्रोल है उसको निकाल लेंगे टंकी में से, लेकिन यार वो निकालने के बाद भी कार्बोरेटर में तेल बच जाता है तो उसको जला देंगे रेस मार मार के, पूरा तेल खत्म। उसके बाद में ये इसका एयर इनटेक है यहाँ पर, ठीक है, कार्बोरेटर के जस्ट आगे। तो यही एक रास्ता है जिसके थ्रू हम जो फ्यूल है उसको बाइक के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, और यही से जो फ्यूल है वो अंदर डालेंगे। कार्बोरेटर क्या करता है उसकी बात भी करेंगे, और इसको हम कैसे काम करवाएंगे उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सारा तेल निकालते हैं और इसका जो कार्ब का जो पेट्रोल है उसको खत्म करते हैं। अबे यार ये तो टूट गया, पाइप टूट गया गाइस, ये जो पाइप है ये यहाँ से तो टूट गया और नीचे से निकल गया। अबे यार हमने पेट्रोल का पाइप ही तोड़ डाला, तो आप लोग सोच सकते हो कि अब इसमें पेट्रोल जाने का कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाइप टूट गया है, इसको काट के लगाना पड़ेगा बाद में। तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अब इसमें पेट्रोल आना एकदम बंद हो चुका है, ये देखो इधर भी नहीं आ रहा और रिजर्व में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको ऑफ पे ही रखते हैं सारा पेट्रोल हमारे पास में, और अब जो है इसके कार्ब का जो पेट्रोल है उसको खत्म करते हैं फटाक से, बाइक को स्टार्ट करके। पेट्रोल उठा लो यहाँ से, देखो अभी जो है टंकी में तेल नहीं है लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो कार्बोरेटर होता है उसमें पेट्रोल होता है, तो इसको जला लेते हैं, उसके लिए बस रेस मारते रहना है। भाई साहब बाइक जो है वो बंद हो चुकी है, चाबी ऑफ चाबी ऑन, जी नहीं अब ये स्टार्ट नहीं होने वाली, क्योंकि जो तेल है जो पेट्रोल है वो खत्म हो चुका है। अब अपने जुगाड़ पर आते हैं और इसका ये एयर इनटेक बाहर निकालते हैं। कैसे निकाले यार इसको, ये जो डब्बा है मेरे हिसाब से ये खुलेगा पहले। तो गाइज इसके एयर इनटेक तक यार कैसे पहुंचेंगे, आई डोंट नो, बस कोशिश कर सकते हैं अपन तो। अबे टीवीएस की चाबी है, इसे नहीं खुलेगा, सोचो ये खुल क्यों नहीं रहा भाई, अरे खुल गया। सब 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 पर जी जुगाड़ चलता है भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पर ये जो डब्बा है ये निकल गया है बाहर, ये है बाइक का एयर फिल्टर, जो इंजन के अंदर एयर जाती है उसको ये फिल्टर करता है। तो गाइज यहाँ पर जो एयर फिल्टर है वो आपके सामने आ चुका है, और आप लोग देखो कि यहाँ पर ये एक जगह है और बाहर की जो हवा है उसकी मिट्टी विट्टी सब कुछ रोक के यहाँ से अंदर जाती, ताकि इंजन के अंदर कचरा ना आ सके, देखो। और यहाँ ये जो डब्बा ये खुला और हमारा काम हो चुका है, यहाँ से हवा अंदर जाती है, तो हमको कुछ ऐसा पाइप का सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि हम इसके अंदर वो पाइप लगा सके और उसमें डीओ मार सके। तो भाई पाइप का ये इतना बड़ा टुकड़ा ही हमको चाहिए। अब इसका जो एक एंड है उसको मैं इसमें घुसा देता हूँ, उसके एयर इनटेक में, और जो दूसरा एंड है अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मारेंगे डीओ का स्प्रे। तो गाइस अब सारी चीजें तैयार है, मोहित किक मारेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार यहां पर देख सकते हो कि भाई साहब यहां पर जो है पाइप हट चुका है, यानी कि टूट ही चुका है, आप लोग देख ही सकते हो अंदर जो पाइप है वो भी यहां से टूट चुका है, जो पाइप है वो टूट गया था। तो भाई साहब कुल मिलाकर के पेट्रोल जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर बाइक इस स्प्रे से अब स्टार्ट हो गई तो वो होगा बड़ा ही मजेदार। मोहित एक बार किक मारना, अभी बाइक स्टार्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है। मार मार मार, थोड़ा बहुत पेट्रोल मामूली हो सकता है, उसकी वजह से एक दो झटके ले लिए इसने, मारियो और मार, नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पेट्रोल का पाइप भी नहीं है, तो अब
टेस्टिंग की बारी, आपको क्या लगता है चलेगी कि नहीं चलेगी? गाइस यहाँ पर मैं इस पाइप के अंदर स्प्रे मारूंगा और उसके बाद तू है ना कुछ रेस वगैरह कुछ भी मत देना, क्योंकि गाइस अब जो रेस है उसका कंट्रोल कार्बोरेटर में होता है, कार्बोरेटर में कुछ भी नहीं है तो वो रेस अब काम नहीं करनी चाहिए, अब तो मेरे हाथ में जो भी है। ठीक है मोहित, किक मारियो एक बार ऐसे ही फिर से, तू मारते रहे ना, मैं स्प्रे मार दूंगा बीच में। ठीक है मारते रहे मारते रहे, मार 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 मार, गाइस स्प्रे जा रहा है अंदर, मार मार मार, जान दे जान दे, रुक जा, चल मारते रहिए, रुकियो मत भाई साहब, मैं इसमें स्प्रे दे रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग, मारो मारो मारो, रोको मत रोको मत, अगर इसमें सेल स्टार्ट होता तो बढ़िया रहता यार, ज़्यादा तो नहीं डाल दिया अपन ने, मारियो। तो भाई साहब ऐसे तो बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे 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 बोलिए बोलिए, एक झटका है, मोहित 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 रुक मत भाई, थोड़ा सा थकना पड़ेगा तेरे को, चलो चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे, चल 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 चल, रुक जा गाइस, ये वाला तो काम नहीं किया यार, केएस जो है वो काम नहीं किया है अभी तक, तो पता नहीं पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाई या क्या हो रहा है। चलो इस वाले से ट्राई करते हैं, पीटर इंग्लैंड से ट्राई करते हैं, मार। ओए अबे ओए ओ मार मार, नहीं तेरे रेस मारने से कुछ नहीं हुआ गाइस, ओ हो, वीडियो अनकट है, सब कुछ कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो बाइक है वो स्टार्ट हो गई, सोचो इतना देर नहीं हुई, हमने इसमें 50 किक मार ली, नहीं हुई स्टार्ट, लेकिन अब जा करके मुझे लगता है यार ये उसी का ही था, क्योंकि ये मारने से पहले ही स्टार्ट हो गई वो। चल अभी इस वाले से ट्राई करते हैं, कोई नहीं स्टार्ट करियो तू, ज़्यादा तो नहीं दे दिया, मारियो और मार और मार, क्या हुआ? रेस छोड़ दी मैंने। अरे यार गाइस रेस को पूरा खींच के रखना पड़ता है ना, खींच के रखा था ना पूरा, लेकिन उसके बाद में कुछ मत करो, सिर्फ इसका स्प्रे मारो और ये जो है चलने लगती है। तो भाई साहब यार डीओ से हमने बाइक चला दी, अभी भी आप लोग देख सकते हो इसमें जो है पेट्रोल का पाइप कनेक्टेड नहीं है, मैं एक बार आपको इसको ऑन ऑफ भी करके दिखा देता हूँ, देखो इसमें थोड़ा बहुत जो तेल है ये शायद खड़ी करने पर आ गया है, लेकिन गाइस पाइप ही कनेक्टेड नहीं है, आप लोग समझ सकते हो ठीक है, और इतना ज़्यादा भी नहीं है, अभी ये ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो भाई साहब यार क्या बात है, मतलब कि हमने डीओ से डीओ को सीधा एयर इंटेक में फंसा दिया और वहां से बाइक चला डाली। अबे यार डीओ से ये कामसूत्र का रश डिओडोरेंट स्प्रे है, लेकिन गाइस जो आइडिया है वो काम किया है, और अब मेरी हालत यार बहुत ऐसी हो रखी है कि एक अलग सी खुशी है कि यार भाई हमारी ये जो चीज़ें काम करी है, काम करते हैं, अब इसको रोड पर लेकर के चलते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं। बस बात यह है कि जो रेस का कंट्रोल है वो यहाँ पर इसके हाथ में रहेगा, यानी कि जो देखो एक बंदा तो चलाएगा, जो पीछे बैठेगा ना उसके हाथ में ये रेस है। तो भैया रोड पर आ चुके हैं, यहाँ पर बाइक को चला करके देखेंगे ठीक है। एक बार मोहित किक मारियो भाई साहब, आप देख सकते हो यहाँ पर, एक बार पास आके दिखा दो, अभी भी कोई पेट्रोल नहीं है, और वैसे भी आपको अब तक तो यकीन हो ही गया होगा। चलो भाई ठीक है, ऐसे स्टार्ट नहीं होगी है क्योंकि इसमें है नहीं कुछ भी, मार। अबे अबे एक बार में ही पकड़गी इस बार तो, बढ़िया चल मार मोहित, मार 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 मार, होगी होगी होगी, अबे यार बढ़िया स्टार्ट हो गई थी गाइस, जब इसमें ज़्यादा डाल देते हैं ना तो भी स्टार्ट नहीं होती, जैसे ही बंद करता हूँ मैं डालना उसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि हवा नहीं जा रही, सिर्फ ये गैस ही जा रही है। चलने दे, अब अपने आप स्टार्ट होनी चाहिए अभी मेरे हिसाब से, मार हो गई है, हो गई, देखो अभी क्योंकि इसके अंदर फ्यूल जा चुका है, और अब मैं दे दूंगा,
ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, रेस बढ़ती है, इतना हाथ कुछ नहीं कर रहा। सब कुछ मेरे इस पे डिपेंड कर रहा है। चलो चल भाई चल, कैमरा दे दे या रख दे, अरे जल्दी चल, रख दे। अबे चल रही है, चल चल मोहित, बंद मत कर दे। हाँ चल, फर्स्ट गियर डाल, चलने दे, चलो। भाई साहब जो गाड़ी है वो डीओ पे चल रही है, चलने दो। देखो हाँ, ये देखो भाई साहब। अबे क्या हो रहा है भाई गाइस, अबे यार ब्रेक है अभी है, और पता है स्पीड में होती है तो बंद भी नहीं होती फिर अपने आप। इधर रुकना अंकित, तू कहाँ भाग रहा है, हमारे साथ रहे। देखो गाइस, अबे यार ब्रेक क्यों नहीं आ रहा, अरे पाइप निकल गया। भाई साहब यार, गाइस आज आया है कुछ मजा हो यार, वास्तव में आज कुछ चीज आई है यार। चल मोहित कर स्टार्ट, हो गया स्टार्ट, हाँ बढ़िया। चलने दे। गाइस डीओ के दम पे चल रही है, मुझे एक बार रोकियो, रोक ले। देखो गाइस, और पेट्रोल का पाइप दिखा दे एक बार। देखो पेट्रोल जो है वो आपने देख ही लिया है पाइप। गाइज इस बार जो है मैं चलाऊंगा बाइक को, और मोहित जो है वो डालेगा डीओ, क्योंकि इसका जो पैर है वो दुख चुका है इसमें, और मैं भी यार चलाना चाहता हूँ। आप लोग अभी भी देख सकते हो यहाँ पर पेट्रोल का जो पाइप है वो टूटा हुआ है यार, ये तो टूट ही गया था गलती से। ओए बारिश आ सकती है भाई, मौसम मस्त है। मोहित मारियो स्प्रे, ठीक है कर रहा हूँ स्टार्ट में, ठीक है। अबे वो किधर दिखा रहा है, कहाँ क्या दिखा रहा है। चलो मोहित अभी रुक जा, अभी तो नहीं हो रही इसका, चल मारियो। मोहित रोक मत। अबे यार चलो। ओ तेरी झटके क्यों ले रहा है यार, मारना मोहित भाई मार यार, थोड़ा हटा दिया कर बीच में। ओए बाइक उड़ जाएगी आगे से, बाइक चल रही है डीओ से, झटके जरूर ले रही है लेकिन चल रही है, आगे निकलो। वाओ अब कंप्लीटली डीओ पे चल रही है। देखो आप लोग यार, रेस मेरे हाथ में नहीं है, ये मोहित के हाथ में, झटके मत दिला यार भाई। मोहित मार, डीओ मार बंद हो जाएगी। अरे कैसे झटके दे रहा है। अबे यार भाई साहब अलग ही मजा है जब सोचते हैं, और पता है खुशबू आ रही है चारों तरफ भयंकर वाली। हो गया क्या मामला खत्म, चल रहा है। चल उधर जाके रोकते हैं, मुझे लगता है ये पहले ही खत्म हो जाएगा। मार। चलो। ओए ब्रेकर में नहीं रुक सकता मैं। मार चले, मार यार मोहित। चलो। मोहित थोड़ा सा और। अबे कर सकता है तू, मार और दे। अबे खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप रेस पकड़ रही है। अबे यार बारिश आ रही है यार, बारिश और आ गई अब तो, क्या हो रहा है। अपने आप झटके मार रही है भाई, एक दो और मारेगी अभी मुझे लगता है। अबे तेरी, चलो इधर रोक ही लेते हैं, नहीं मैं तो रेस मार रखा हूँ पूरी, अपने आप ही ले रही है जो कर रही है। गाइस मैं, अबे रुक जा, अरे छोड़ दी मैंने अब तो यार। भाई साहब यहाँ पर, अबे यार आज तो कुछ अलग ही चीज हुई है, और आप लोग अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये पाइप लगा था इससे चल रही है। पेट्रोल का पाइप ऑलरेडी टूटा हुआ है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, और इसको अगर मैं ऑन ऑफ भी करूँ तो इसमें भाई साहब पेट्रोल है नहीं, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जो कुछ हुआ है वो डीओ के दम पर हुआ है, तीन कैन खाली कर चुके हैं और इसमें ज़रा सा है, लेकिन टेंशन की बात अब ये है कि हम यहाँ आ तो गए हैं डीओ के दम पे, लेकिन जाएंगे किसके दम पे, अब इसको वापस कैसे लेके जाएंगे यार।
अरे धक्का बहुत दूर है यार। 3 कैन में थोड़ा बहुत मजे ले लिए हमने और लगभग ये जो है 1.25 किलोमीटर चल गए। तो भाई साहब एवरेज तो बहुत बेकार है, उसमें तो बर्बाद हो जाएगा कोई भी आम इंसान इसको चलाने में हमारे जैसा, ठीक है, हम कभी भी नहीं चला सकते इस पर। आपको भी यही कहूँगा कि डीओ के ऊपर अपनी बाइक को मत चलाना, क्योंकि बाइक के इंजन को भी ख़राब कर सकता है और चीज़ों को भी कर सकता है। और यार जो है ये बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन एक मज़ेदार बात भी है यहाँ पर कि भाई साहब खुशबू ज़बरदस्त आती है। 3 थे तो तीनों के अलग अलग फ्लेवर आ रहे थे जैसे जैसे हम चले जा रहे थे, और मेरे पास में नहीं पूरे रोड के ऊपर खुशबू रखी थी। चलो जो भी है, तो गाइज अगर आपको मजा आया इस वीडियो में, अगर आपने आज कुछ नया देखा, कुछ मजेदार आपको लगा, तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो के लिए। मुझे पर्सनली नहीं लगा था कि ये इतना अच्छे से आइडिया काम करेगा, और अब बारिश और हवा भी भाई साहब आने लग गई है, तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकने वाले, क्योंकि इसको धक्का देके वैसे ले जाना पड़ेगा, छोड़ के भी भागना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लाइक ठोक देना यार हमारे काम के लिए, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार दिखाइए, हम मेहनत करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोज के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।